नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा कुमार नरेश यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जब हम अपने फ़ोन पे अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो हमारे से एक पासवर्ड पूछा जाता है। तो आज मैं आपको उन फ़ोन पे अकाउंट के पासवर्ड को चेंज करना बताऊंगा। जिस प्रकार दोस्तों, अगर आप भी अपने फ़ोन पे अकाउंट के पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो इस वीडियो की मदद से आप बहुत ही आसानी से उन्हें चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन कर लीजिए ऑल पर सेट, ताकि मेरे द्वारा आपके लिए बनाई गई ऐसी यूजफुल वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चल सके। तो दोस्तों, आखिरकार कैसे आप उन फ़ोन पे पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन पे ऐप को ओपन करना है। फ़ोन पे ऐप को ओपन करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, अब आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, एंट्री और ओल्ड पासवर्ड और फॉरगेट पासवर्ड का। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर आपको अपने पुराने वाले पासवर्ड याद है तो आपको यहाँ पर अपने पुराने वाले पासवर्ड टाइप कर देना है। ओल्ड पासवर्ड टाइप करने के बाद आपको नीचे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको सेट एन न्यू 4 डिजिट पासवर्ड के लिए बोला जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर अपने नए वाले पासवर्ड सेट कर लेना है। नए वाले पासवर्ड सेट करने के बाद आपको फिर से कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों, अब आपको अपने नए वाले पासवर्ड से अपने फ़ोन पे अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन पे अकाउंट के पासवर्ड भूल गए तो आपको फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके फ़ोन पे रजिस्टर नंबर पे ओटीपी कंफर्म करने के बाद आपको सेट ए न्यू 4 डिजिट पासवर्ड के लिए बोल दिया जाएगा। इसके बाद भी आप यहाँ पर अपने फ़ोन पे के न्यू पासवर्ड सेट करके प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से ओके पे क्लिक करके अपने न्यू पासवर्ड से अपने फ़ोन पे अकाउंट में लॉगिन हो जाना है। तो दोस्तों, मुझे यकीन है मैंने मेरे बहुत ही कम शब्दों में आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी आपका कोई सवाल जवाब होता है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आएगी और आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इतना ही नहीं, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑल पर सेट करेंगे। धन्यवाद।